मुझे तो लगता है कि परी का घर पर बात करने की ख्वाहिश हसरत ही रह जाएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इसी की वजह से परी आज इस हाल में, यही है जो कुलसुम आंटी के साथ मिलकर बाबर और परी के दरमियान दूरियों का सबब बनी है। नवीन, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम मुझे परीसा से अलग होने के लिए नहीं कह रही, बल्कि मरने के लिए कह रही हो। कोई किसी के लिए नहीं मरता भाई। चलो ठीक है, ठीक। चलो बेटा थोड़ा सा पी लो। नहीं पी रहा मुझे। इसे तो बहुत तेज बुखार है। कहाँ रहेगी परीसा? परीसा और शगुफ्ता हॉस्पिटल में, शहरयार साथ है। खुद को तो अजियत पहुंचाने में इस लड़की ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और भाभी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है। बेटा थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा तो पी लो बेटा। नहीं पीना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। मेरा बच्चा, कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो, बुखार तो नहीं है ज्यादा? मेडिसिन ली? और खाना क्यों नहीं खाया? चलो लेट्स ट्राई। ठंडा होने से पहले पहले आपको पीना ही है, ओके? ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। इज इट नाइस? एक और बाइट लेते हैं। अच्छा है? ठीक हो जाओ। भाई सूप हेलो। अगर भाभी ठीक है तो मम्मी जी को छोड़कर तुम यहाँ आ जाओ, हरीम को बुखार है। मैं अभी नहीं आ सकती हमजा, मुझे इमरजेंसी में देखने जाना पड़ेगा मलिक जहांगीर को। तुम उस घटिया शख्स के लिए अपनी बच्ची को इग्नोर कर रही हो? मैं इग्नोर नहीं कर रही, मजबूरी है। तुम जहांगीर से मिलने नहीं जाओगी, फौरन घर आओ अपनी बेटी के पास। हेलो, तुम गलत कर रहे हो बाबर। जानता हूं, अपनी गलतियों का एहसास देर से ही सही, पर हो क्या है? बस बीपी हल्का सा लो है आपका, बाकी घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि तुम झूठ नहीं बोलती। मैं मर रहा हूं और तुम कह रही हो कि परेशान होने की बात नहीं। तुम्हें बताया नहीं, मैंने अपनी सारी रिपोर्टें बाहर भिजवाई। सबने एक ही जवाब दिया है, कुछ नहीं हो सकता, केस इज ओवर। तुम्हारे एक्सीडेंट वाले दिन तुम्हारी वेकअप कॉल मिली थी, वैसी एक कॉल मुझे भी मिली है।
मुझ में हो रही है ना तो सोया हुआ समीर से चला उठा। आज तो खुद को फिरौन समझ गई। मगर आप जब भी लाठी मुझ पर पड़ी तो ऊपर वाले की ऊंची शान याद आ गई। मैं तो मिट्टी का ढेर हूं, चंद दिनों में मिट्टी में मिल जाऊंगा। माफ कर दो मुझे। ऐसे मत करें, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जहांगीर आपको। फैसला किया है, हमेशा अपनी मनमानी करती हो। तुम्हारी अपनी बच्चियां घर में बुखार में तप रही है और तुम उस घटिया आदमी की तीमारदारी के लिए चली गई। भूल गई उसने क्या किया था तुम्हारे साथ? मैंने माफ कर दिया उन्हें उसके लिए। वैसे भी वो बहुत बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मलिक जहांगीर सारी जिंदगी ताकत के नशे में चूर, पता नहीं सारी जिंदगी किस किस के साथ कहां कहां क्या क्या ज्यादतियां करता रहा। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं उन सबसे माफी मांगता हूं। और खास तौर पे परीक्षा से माफी मांगता हूं। परीक्षा मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर दे। मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे जैसे बेशुमार मलिक जहांगीर सोसाइटी में दन दन आते फिरेंगे, लोगों के साथ इसी तरह ज्यादतियां करते फिरेंगे। मैंने मासूम लोगों को इन दरिंदों से बचाने के लिए एक एनजीओ बनाई है। इसे मेरी बहू मेरा बेटा रन करेंगे। मैं उन तमाम लोगों से एक मर्तबा फिर माफी मांगता हूं।
मुझे माफ कर दे, मैंने जो ज्यादतियां की है मुझे माफ कर दे। आप मुझे माफ कर देंगे तो मेरा खुदा भी मुझे माफ कर देगा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर। दो घंटों में 1 बिलियन व्यूज। खबर आपको दे रहे हैं, जहांगीर मलिक की माफी ने फिर से कई सवालात उठाए हैं। कुछ परीसा के साथ हैं तो कुछ परीसा के खिलाफ। ये बहस कहां तक जाती है, देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर मीडिया भरा पड़ा है परीसा के खिलाफ। ये लोग घटिया ज़हनियत के लोग हैं, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, वरना कई लोग आप ही के साथ भी हैं। उन लोगों के साथ होने से क्या होता है? गालियां तो परीसा को ही पड़ रही है ना। क्या हो जाता अगर मामले को खत्म कर देती, मना कर देती जहांगीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से? पुराना किस्सा जो लोग भूल गए, कम से कम उसके तस्करे तो ना कर रहे होते। एक बार फिर वही गलती दोहराई है परीसा ने। बाबर कैसे बर्दाश्त करेगा एक ऐसी लड़की का साथ जिसके किरदार को लोग मशकूक बना रहे हैं, कैसे बर्दाश्त करेगा? और अहम खबर आपको देंगे, जहांगीर मलिक जो बिजनेसमैन के साथ सियासतदान भी थे, उनका इंतकाल हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ हमने सबसे पहले आपको दी, तदफीन कल जोहर के बाद होगी। आ गई। अपनी वीडियोस पे फिर से मिलियन व्यूज मिलने पर खुशी तो होगी आपको। लोगों का मानना है आप ये सब पब्लिसिटी स्टंट के लिए करती हैं। What rubbish is this? क्या जरूरत थी इसे वहां जाने की? देख लिया कितना बड़ा तमाशा लगा दिया उसने वहां पर। इतने वाहियात सवाल सुनने में ये भी आ रहा है कि काफी लूज करेक्टर की है। मुझे प्लीज रास्ता दे दे। काफी लोगों का मानना है कि आपने ये प्लान किया था जैसे कि आजकल के यूट्यूबर्स करते हैं। मिस्टर बाबर, आपको कैसा फील हो रहा है अपनी बीवी की शोहरत देखकर? नो कमेंट्स। चलो प्लीज।
बाबर, बाबर ये जो कुछ हो रहा है, मीडिया, सोशल मीडिया पे उठता हुआ शोर, मुझे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम यहां से चली जाओ परिजा, कहां? वहीं जहां कोई ना हो, कोई तुम्हें कुछ ना कहे। मैंने फैसला किया, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं। परिसा, परिसा, डोंट टच मी, डोंट टच मी। परिसा, क्या बात है? कुछ परेशान दिखाई दे रहे? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं है माम। माँ हूं तुम्हारी, मुझसे झूठ तो तुम नहीं बोल सकते। कई दिनों से नोट कर रही हूं बेटा, सुबह जल्दी चले जाते हो, रात में देर देर से आते हो, मेरे पास तो बैठते तक नहीं है। मैं कोई बात भी करूं तो हूं हां मैं जवाब दे देती हूं। आखिर बात क्या है? अभी कुछ कंफर्म नहीं है मॉम। कंफर्म नहीं? नहीं, क्या मतलब कंफर्म नहीं? बीबी काफी आई है इनका, जो इनके बच्चे के लिए खतरनाक भी हो सकता है। इन्हें हर तरह के सिर से दूर रखें।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपी ये क्या हुआ है? थैंक यू। एक जिंदा लाश को घर तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जा सकते हैं अब यहाँ से। मुझे प्लीज कमरे में ले जाओ। जी चलिए। परेशान है। परीसा बहुत डिस्टर्ब हो गया। कहीं वो लोगों की बातों से टूट ना जाए। मेरा बस चले तो मैं कहीं उसे ले जाऊं। जहाँ वो हमेशा खुश रहे। वो वहीं खुश रहेंगे जहाँ हम जाऊँ। इस हकीकत को मानने में देर लगी है, पर मान लिया। फिर अब डिवोर्स पेपर्स तैयार है। साइन कर दे बस। मेरी हिम्मत नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे वो पेपर्स मेरी मौत का परवाना हो। जैसे कोई जज मुजरिम को सजाए मौत देता है। मेरा जुर्म सिर्फ यह है कि मैंने मोहब्बत की। लेकिन जो सजा मुझे मिली उसका हकदार मैं नहीं था। Stay strong. वक्त ने एक बार फिर मुझे उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहां मेरा रिश्ता फिर से टूटने को है। आप ही ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबर ने भी हार मान ली है। थक गए वो लोगों की बातें सुन सुनकर। एक बात बताओ मुझे, क्या जो मैंने किया है वो बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी सजा मुझे रहती सांसों तक भुगतनी पड़ेगी? नहीं आपी, मैं बाबर को ऐसा नहीं समझती थी। मुझे लगता था वो हमेशा मेरा साथ निभाएंगे, पर उन्होंने भी हमसा की तरह मुझे अकेला छोड़ दिया ना। एक बार फिर मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया।
भाभी मैं शिजा ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कर दिया डिजर्व। भाभी मत रोए ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी चुप कर जाए प्लीज। राइट, मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करूंगा, आपके जवाब का मुंतजर रहूंगा। शुक्रिया। कहीं जा रहे हैं आप? हाँ। कहाँ? कनाडा। क्यों? बिजनेस तुमने अलग कर लिया, परीसा का और मेरा रास्ता किस्मत के हाथों जुदा हो गया। और फिर अब पीछे रहने की कोई वजह नहीं रही। बिजनेस अलग करने की वजह परीसा थी, अब जब वो वजह ही नहीं रही तो फिर? नहीं नवीन, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा ऐसा सोचना बिना। और रही वजह बिजनेस को अलग करने की, तो कुछ शेयर्स हैं जो मैं परीसा के नाम करना चाहता हूँ। उसका शौहर होने के नाते मेरे पे जो फर्ज है वो मैं पूरा करूँगा। मेरा एक फ्लैट और कुछ शेयर्स मैं उसके नाम करके जाऊँगा। और आपका बच्चा? कुछ मामलात हैं जो मुझे परीसा के साथ अभी भी डिस्कस करने हैं। आप ही आ जाए, नाश्ता कर लें। मुझे भूख नहीं है। क्यों, थोड़ा सा तो खा लें, आपने कल से कुछ नहीं खाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हारे नाम में एक अपार्टमेंट और कुछ रकम है जो तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करवाई है। मंथली डिपॉजिट भी करवाता रहूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। मुझे अपने बच्चे की कस्टडी चाहिए। नहीं मिल सकती। परीसा मर गई है। परीसा, वो परीसा जो आपके प्यार पे मरती थी, वो मर चुकी है। आपके एक फैसले ने मेरे सारे एतबार और मेरे मान की धज्जियां उड़ा दी। मुझे आप पे बहुत मान था बाबर, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि आप पूरी दुनिया में सबसे मुख्तलिफ हैं, सबसे हटके। पर आई गेस आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि आप सब मर्द एक ही जैसे होते हैं, कोई फर्क नहीं है। अगर आपकी बीवी के किरदार पे कोई उंगली उठा रहा है तो वो उंगली तोड़ देनी चाहिए। ये बीवी का हक और शौहर का फर्ज बनता है।
आपने ना ये फर्ज पूरा किया है और ना ये हक अदा किया है, और आप मुझे छोड़ने की बातें कर रहे हैं। मैं तुम्हें लोगों की बातों की वजह से नहीं छोड़ रहा। तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, उस प्यार के लिए छोड़ रहा हूं जो तुम हमजा से करती हो। तुम उसी के साथ खुश रह सकती हो। जिस शख्स को अपनी बीवी की आंखों में प्यार ना दिखे ना, ऐसे इंसान के साथ मुझे ही नहीं रहना। बहुत शौकीन है जाने का। There's a door right behind you. Please leave. अब क्या देख रहे हैं मुझे? जाएं? Please leave my house. को अपनी बीवी की आंखों में प्यार ना दिखे ना, ऐसे इंसान के साथ मुझे ही नहीं रहना। बहुत शौकीन है जाने का। There's a door right behind you. Please leave. अब क्या देख रहे हैं मुझे? जाएं? Please leave my house.